विगत बोर्ड बनने के बाद में बहुत सारी समस्याएं नगर के सामने आई है, लेकिन उनका समाधान नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में हमने 27 तारीख को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को एक समस्याओं के संबंध में लेटर भी दिया था और उनको कहा था कि हमारी समस्या का समाधान आप 7 दिन में करें, लेकिन आज तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए हमको यहाँ नगर परिषद के सामने धरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा है कि अगर सब वार्डों में काम हुआ होता तो यह लोग धरने के लिए यहाँ लोग नहीं आते। आज पूछ लीजिए इनको क्या स्थिति है, हमारे महिला पार्षद है हमारी बीजेपी की, लोग इनको बैठने नहीं देते, घर के अंदर गालियाँ निकालते हैं, हमारे वार्ड के अंदर लोग हमको बैठने नहीं देते हैं, तो सभापति महोदय है अपने मन से काम करा देते हैं, जोन का कार्य होता है तो अपने इलाके में काम कराते हैं, हमारा इलाका ही छोड़ देते हैं, जोन में हमारा 4 और 5 वार्ड बराबर लगता है, 4 के अंदर उन्होंने अपने साइड में काम करा दिया, हमारी साइड ही छोड़ दी उन्होंने, इस तरह का भेदभाव किया उन्होंने। मावी पार्क में शौचालय बन रहा है, वो मांग सही है या गलत है? शौचालय तो बनना चाहिए, लोग कहाँ जाएंगे पेशाब करने के लिए, उसका हम समर्थन करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। मावी पार्क अगर छोटा हो जाएगा तो फिर कैसे? छोटा नहीं है वो, स्थान अलग है उसके लिए, वो कोई उसके अंदर ट्रैक के अंदर नहीं आ रहा है, स्थान ही अलग है उसका, उसकी 20 कदम दूर पर ही शौचालय बना हुआ है। नहीं ऐसा है, उसके अंदर भी जरूरी है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। 39 वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ है, रोडों का और नालियों का काम सभी रुका हुआ है, ना तो सफाई होती है। हमारे वार्ड में क्या है, भेदभाव है, मेवाराम जी हमारे वार्ड के है, उनके गली में जाके देखो कितनी सफाई है और हमारे गली में आके देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, मेवाराम जी के वार्ड में हो रही है ना, आपके वार्ड में नहीं हो रही? हाँ, हमारा वार्ड एक ही है, वार्ड हमारा एक है, गली की बात कर रही हूँ। अच्छा, गली की बात कर, क्यों भेदभाव हो रहा है हमारे में? तो वार्ड तो जैसे आपके वहाँ सुल्तान सिंह जी है पार्षद आपके, तो सुल्तान सिंह जी काम नहीं करवा रहे हैं आपके वहाँ? सुल्तान सिंह जी नहीं है हमारा, मैं पार्षद हूँ 39 की, वो 39 में रहती है, तो हमारे वार्ड में क्यों भेदभाव हो रहा है? न तो सफाई होती है, नालियों का काम अधूरा है और ये सीवर का काम अधूरा है और रोड का देखो, एक बार रोड जाके देखो सब कि कैसी रोड है, उसका फोटो खींच के दो अखबार में दो। इस बात को लेकर धरना दे रहे हैं, विकास का काम तो हुआ है लेकिन उसमें भेदभाव हो रहा है। जब हम जहाँ पर सीसी रोड बनाने के लिए चेयरमैन साहब को कहते हैं तो चेयरमैन साहब हमको ये एक ही जवाब देते हैं कि छोटी गलियों में नहीं होगा, ना बड़ी रोड है, नहीं सीसी बनेंगे। और उनके खुद के वार्ड में देखो एक एक गली सीसी रोड बनी हुई है, और ये जो छोटे मोटे काम है, ये जो छोटे ये चैम्बर बने हैं सिविल वाली होदिया, तो ये होदिया पहले तो हमने खुद लोगों के जाके हमको बोला कि आप जाके घर घर जाके कहो 500 रुपये जमा करवाई और ये होदिया बनाए, साफ सफाई रहेगी, नालियाँ बंद हो जाएगी। अब हमने उन लोगों को, अब वो लोग हमारे पास आ रहे हैं और उनको लेके कोई जिम्मेदार नहीं है, ना ही नगर परिषद, ना ही सिविल वाले IDP वाले कोई जिम्मेदार नहीं है, वो खुद लोगों ने पहले 500 रुपये जमा करवाई, अब उनको खुद वो पैसे दे के वो खाली करवानी पड़ी होती है, पूरा पानी अस्त व्यस्त हो रहा है। और गंज शहर का विकास तो दूसरे वार्डों में मेरे को पता नहीं, मेरे वार्ड में विकास हुआ है, विकास का काम, लेकिन उसमें भेदभाव हो रहा है। चेयरमैन साहब का कहना है कि मेरे आगे मुझको आके कहो मेरी गुलामी करो तो ही हम करेंगे, और हमारे को घर का काम तो है नहीं जो हम गुलामी करें। नहीं तो चेयरमैन साहब ऐसा कह रहे हैं गुलामी करो हमारी, तो उनका जाइए ना और आयुक्त साहब फोन में तुरंत फोन करके हमको बुलाते कि आप चेयरमैन साहब के पास जो कोई वर्क ऑर्डर कराने उसके साइन गुलामी कैसी गुलामी करने की तो गुलामी है ना, ये क्या है कि हम चेयरमैन को पार्षद खुद आके कहे कि हमारे वार्ड का वर्क ऑर्डर हो रहा है आप साइन करो, क्योंकि हमारा घर का काम है क्या? सर आप सभी को विदित है कि उस दिन 27 तारीख को हम 22 पार्षद हस्ताक्षर करके श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी को मिले थे, तो कलेक्टर साहब को हमने बताया था कि 26/11/2014 को बोर्ड बना है, उसके बोर्ड बनने के बाद में क्या उपलब्धि है, तो कोई एक पट्टा नहीं जारी हो रहा है, NOC उसकी मूलभूत सुविधा है जनता की कि लाइट पानी का अपन कनेक्शन ले, वो भी नहीं मिल रहा है, और इसके बाद क्या, इससे ज़्यादा क्या कोई समस्या हल नहीं हो सकती है।
आज बाड़मेर शहर में क्या हाल है इसके सभी आप जानते हैं। मीडिया लोगों ने पूर्व में भी हर बार उजागर किया था, उस समय भी सभापति महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी हम आपके सामने ही उसके अंदर आए थे। तब हमने बोला था कि सभापति महोदय झूठ बोल रहे हैं, हमारे सामने आवे यदि कोई, हम डिबेट करना भी तैयार है। झूठ झूठ होता है, झूठ के हम अभी आप झूठ बोलते आया, हम तो हमारा यही मुद्दा है कि काम हो। यदि 75 साल पट्टा नहीं मिल रहा है और NOC और नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब या तो आप पट्टे जारी करो या लाइट पानी की कनेक्शन की NOC दो, कुछ तो करें। आप करते नहीं हो और उल्टा पब्लिक को परेशान है। 16 वार्ड कच्ची बस्ती है, कच्ची बस्ती में लोगों में क्या हाल है ये तो सब आप ही जानते हो। और उसमें सभापति महोदय झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाहवाही लेने के लिए चक्कर में विपक्ष दोनों बैठे, हाँ पक्ष विपक्ष सभी बैठे हैं। समस्या सबको ही है, समस्या सबको है, समस्या सबको है, समस्या सबको है, आम जन की समस्या है। सरकार आनसन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल आमने अनशन हमारा कंटिन्यू, जब तक हमारी मांगे नहीं, हमारी नहीं जनता की मांगे, बाड़मेर शहर की मांगे जब तक नहीं मानी जाती है तब तक हम कंटिन्यू ये चालू क्योंकि वैध है एकदम।